वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभी तक हमने जो फाइंड किया था वो नंबर्स का किया था, आज हम फ्रैक्शन का कर रहे हैं। फ्रैक्शन इस फॉर्म में होती है, इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम साइड पर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 49 की। ये 49 की है और ये हमारे पास 64 की है। अच्छा, 49 को ना 5 डिवाइड करता, ना 3, ना 2, ना 6, सिर्फ 7 है जो इसको डिवाइड करता है। 7 दा 49, 7 दा 7। ठीक है, 64 के लिए हम 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, यहाँ से 1 यहाँ पे कैरी गया, 12 हो गया। 2 6 दा 12, मतलब 2 16 टाइम्स 32, 2 32 टाइम्स 64 आता है। 2 8 दा 16 होता है, 2 4 दा 8 एंड 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। ठीक है, ये 49 के प्राइम फैक्टर्स हैं और ये 64 के प्राइम फैक्टर्स हैं। 49/64 इज इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे 49 के 7 × 7, और अब हम 64 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट इस तरह लेंगे हम 64, ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया। इसी तरह इसका लेंगे 7 × 7, और ये सारे फैक्टर्स 64 वाले भी लिख देंगे। 6 1 2 3 4 5 6। अब हम ये दोनों बेस सेम है, इनकी एक्सपोनेंट 1 1 है, इनकी एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगी तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये दोनों बेस सेम है, इनकी एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगी, ये 2 का स्क्वायर एंड 2। ये दोनों बेस सेम है, इनकी एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगी, 2 का स्क्वायर। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ये सेम बेस है। इसी तरह ये बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 2, ये 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम इनकी स्क्वायर रूट अलहदा करेंगे, सेपरेट करेंगे। वैसे तो इकट्ठी भी हो सकती है ये ख़त्म, लेकिन हम सेपरेट कर लेते हैं। ये 7 की स्क्वायर के अलग हो गई, ये 2 स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर और ये भी 2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे इस स्टेप में। ठीक है, अच्छा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल कैसे होता है, जो हमारे पास ये है स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है। ये वाला जो 2 है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह ये कैंसिल हो गए, 1 बच गया। ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, अंडर रूट 49/64 इज इक्वल टू 7/2 × 2 × 2। हमारे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 49/64 इज इक्वल टू 7/2 × 4 होता है, 4 × 8 होता है, 7/8। ये हमारे पास जब हमने 49/64 फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमारे पास 7/8 आंसर आया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, 121/625। इसके लिए भी हम पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 121 और ये 625। ठीक है, अब जो 121 है ये किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, ये ओनली 11 पे डिवाइड होता है। 11 टाइम्स 121 11 11। ठीक है, अभी 625 है, ये 2 पे तो हो नहीं सकता है, एंड पे 5 है, ओड नंबर है, 3 पे भी नहीं हो सकता, 3 2 6 आगे 25 है। ठीक है, 4 पे भी नहीं हो सकता, हम इसको 5 पे करेंगे। 5 1 5, 1 कैरी, 5 2 10, 2 कैरी, 5 5 25, 5 2 10, 2 कैरी, 5 5 25, 5 5 times 25 एंड 5 1 times 5। ठीक है, अब हम इस प्राइम फैक्टर्स को यहाँ लिख लेते हैं। 625 इज इक्वल टू 121 के प्राइम फैक्टर्स ये थे, इसी तरह 625 के प्राइम फैक्टर्स ये हैं। अब हम कर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है,
121 ओवर 625 इज इक्वल टू 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, ये फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है। 121 625, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, इनकी बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगे 11 का स्क्वायर, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स 1 1 प्लस हो जाएंगे 5 का स्क्वायर, इनटू एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगे 1 प्लस 1 2, ठीक है। अब हम इनकी स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, इसकी तो कैंसिल नहीं हो सकती ना, क्योंकि इसके यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब ये 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, 1 ओवर 2 के, और इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह ही कैंसिल होती है स्क्वायर रूट। आप पूछते हैं किस तरह होती है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, 625 स्क्वायर रूट कैंसिल, 11 ओवर 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 11 ओवर 25 स्क्वायर रूट है 121 ओवर 625 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, 196 ओवर 441, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए भी पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे 196 की, और फिर हम करेंगे 441 की, ठीक है। 2 कैरी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एंड में 6 है, इवन नंबर है, 2 9 18, ठीक है, 1 कैरी, 2 8 times 16, 2 4 8, 1 कैरी, 2 9 18, 7 7 49, 7 1 7। अब हम इसमें एंड पे ओड नंबर है तो हम इसको 3 पे करके देख लेते हैं, 3 पे हो जाता है ये, 3 1 3, 1 कैरी, 3 4 12, 2 कैरी, 3 7 21, ठीक है। अभी आगे भी 3 पर होता है, 3 4 12, 2 कैरी, 3 9 27, आगे ये 7 पर ही होता है, 7 7 49, 7 1 7। अब इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 4 4 1, 196 के क्या आते हैं, 2 2 7 7, 2 into 2 into 7 into 7, 4 4 1 के क्या आते हैं, 3 3 7 7, 3 3 7 7। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड्स पे, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, 196 ओवर 441 इज इक्वल टू 2 into 2 into 7 into 7, 3 into 3 into 7 into 7, ठीक है। 196 ओवर 441 इज इक्वल टू, आपको पता है एक्सपोनेंट्स बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगी, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे, 196 ओवर 441 इज इक्वल टू, ठीक है, आपको मैंने बता दिया है स्क्वायर रूट 1 ओवर 2 के इक्वल होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल, ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, ठीक है, 196 ओवर 441 इज इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल कर दें, ये वाली भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है, 2 into 7 ओवर 3 into 7, 196 ओवर 441 इज इक्वल टू 7 to the 14, 3 7 the 21, तो इनका स्क्वायर रूट क्या आया, 14 ओवर 21, ठीक है, ये आंसर है। 4 कर लेते हैं, इक्वल्स टू 13 ओवर 36, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारे पास होल फॉर्म में है, जो पिछले क्वेश्चंस थे वो हमारे पास के फ्रैक्शन वाली फॉर्म में थे, अब हम इसको फ्रैक्शन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास है 113 ओवर 30, ठीक है, उसके लिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस वाली वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मल्टीप्लाई करके आए उसको इसमें प्लस करते हैं, ठीक है, आपने इस तरह रोज़ बना लेने हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 36 आया, 36 में 13 प्लस किया, 639 ये ऐड करें हम, वो 3 1 4 49 आएगा, तो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म क्या आएगी, 49 ओवर 36, ठीक है, ये हमने फ्रैक्शन होल फॉर्म्स फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर ली, 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया,
जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई उसको इस वाली वैल्यू में प्लस करते हैं, ठीक है। अब हम इनका इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, 49 की और 36 की। 7 times 49, 7 1 times 7, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, वैसे ही 2 पे भी होता है, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 टाइम 3, ठीक है। इफेक्टर्स आ गए, 49 के थे 7 into 7, ये थे 2 into 2 into 3 into 3, ठीक है। अब स्केयर रूट लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, 49/36 इक्वल्स टू स्केयर रूट 7 into 7, 2 into 2 into, सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं, 49/36 एक्सपोनेंट्स यहाँ पे हमारे पास प्लस होंगी, बेस सेम है, 7 स्केयर हो जाएगा, 2 स्केयर हो जाएगा, 3 स्केयर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक स्टेप इंक्रीज भी कर सकते हैं, स्केयर रूट अलग अलग करके, इसकी अलग कर दें, इसकी अलग कर दें और इस वाली वैल्यू की अलग कर दें, लेकिन हम इकट्ठी लिख के कैंसिल कर देते हैं, वीडियो लंबी ना हो इसलिए, ठीक है। 2 स्केयर into 3 स्केयर, ये कैंसिल होगी, ये वाली भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। 49/36 इक्वल्स टू 7/2 into 3, ठीक है, हमारे पास 7 = 3 to the 6। अब जिस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में हमें आंसर देना होता है, ठीक है। हमारे पास होल फॉर्म में क्वेश्चन था इसलिए हम होल फॉर्म में ही आंसर लिखेंगे, उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे इस तरह, 6 हमने बाहर रख लिया, 7 अंदर, 6 1 टाइम 6, 7 - 6 1, ठीक है। अब इसको किस तरह लिखते हैं, इसको आप इस तरह लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर ये वाला डिजिट लिखते हैं, फिर ये वाला डिजिट लिखते हैं, ठीक है। आपके पास क्लॉकवाइज लिखते हैं इसको, ठीक है, जिस तरह घड़ी घूमती है ना, 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 12 पे आ जाती है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है। ये वाला 1 लिखा, फिर ये वाला 1 लिखा, फिर ये वाला 6 लिखा, फर्स्ट ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं। बच्चों को लिखना नहीं आता, उनके आंसर्स गलत लिखे जाते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपने ये वाला 1 लिखा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, 676/729 सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी भी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हर क्वेश्चन की, 676, यहाँ पे हमारे पास है 729, ठीक है, 676 एंड में इवन नंबर है तो हम 2 पे कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 3 टाइम्स 6, 1 कैरी, 2 8 टाइम्स 16, 2 1 टाइम 2, 1 कैरी, 2 6 टाइम 12, 1 कैरी, 2 9 टाइम 18, ठीक है। अब इसको हम 3 पे भी नहीं कर सकते, 2 पे तो होता ही नहीं है क्योंकि एंड पे इवन है, 4 पे भी नहीं होता, 5 पे भी, 6 पे भी, कोई भी डिजिट इसको नहीं कर सकता हम, इसको ओनली 13 इज द ओनली डिजिट दैट कैन डिवाइड दिस, ठीक है, 13 13 टाइम्स 169, 13 1 टाइम 13, ठीक है। अब 729 की कर लेते हैं, ये 3 पे हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 6 रह गया और यहाँ पे 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 3 3 टाइम्स 9, ठीक है, 3 8 टाइम्स 24, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम्स 6, ये 6 हो गया था और 2 यहाँ पे कैरी किया, 3 7 ज़ा 21, ठीक है, 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 3 एंड 3 1 टाइम 3, ठीक है। प्राइम फैक्टर 676/729, ठीक है, 676 के प्राइम फैक्टर्स ये रहे, 2 into 2 into 13 into 13, ठीक है, और 729 के प्राइम फैक्टर्स ये रहे, 1 2 3 4 5 6 times 3 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। अब ठीक है, अब स्केयर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड्स, ठीक है, 676/729 ये स्केयर रूट ले लिया इन द सेम वे, 2 into 2 into 13 into 13, 3 into 3 into 3, 3 3 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 676/729,
ठीक है, वही बेस सेम है, उनके एक्सपोनेंट्स प्लस कर देंगे, इन दोनों की बेस सेम है, वन एक्सपोनेंट टू स्क्वायर हो जाएगा, वन एक्सपोनेंट थर्टीन सेम है, थर्टीन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम थी और यहाँ पे भी बेस सेम है। ठीक है, 676 ओवर 729 इक्वल्स टू, अब हम इनकी कैंसिल कर देंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, टू स्क्वायर इंटू थर्टीन स्क्वायर ओवर थ्री स्क्वायर, थ्री स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर। अब तो आपको ये बात अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए कि स्क्वायर रूट वन बाई टू के इक्वल होता है, इसलिए ये टू से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, टू इंटू थर्टीन, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। ठीक है, 676 ओवर 729 इक्वल्स टू 13 टू द 26, 3 3 द 9, 9 3 द 27, ये आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा हमारे पास सिक्स वाला फ्रैक्शन फॉर्म में है, इस वाले पार्ट में दो क्वेश्चन, सॉरी होल फॉर्म में, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, ये हमारे पास होल फॉर्म में है, दो क्वेश्चन होल फॉर्म में है, बाकी सारे इसके फ्रैक्शन फॉर्म में थे। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, मैंने आपको बताया इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आया उसको इसमें प्लस करते हैं। ठीक है, अब हम 25 को 12 से मल्टीप्लाई करते थे, 5 टू द 10 वन कैरी, 2 टू द 4 एंड 1 5, 5 वन द 5, 2 वन द 2, हमारे पास 300 आ गया। ठीक है, अब इस 300 में हमें 24 को प्लस करना है, हमने मल्टीप्लाई किया, अब हम प्लस करेंगे। ठीक है, हमारे पास 324 आ जाएगा, ये 4, ये 2, ये 324। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 324 डिवाइडेड बाय 25, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। ठीक है, अब हम इनके फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 324 की और 25 की, 25 की तो सिंपल है, आपको पता है 5 5 25, 5 वन टाइम 5। ठीक है, अब इसकी टू से कर लेते हैं, टू वन टाइम टू, वन कैरी, टू सिक्स टाइम ट्वेल्व, टू टू टाइम फोर, टू एट टाइम सिक्सटीन, टू वन टाइम टू, अब ये नेक्स्ट थ्री पे होगा। ठीक है, थ्री टू टाइम सिक्स, टू कैरी, थ्री सेवन टाइम 21, थ्री नाइन टाइम 27, थ्री थ्री टाइम 9 एंड थ्री वन टाइम 3। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए किसके, 324 ओवर 25 के इक्वल्स टू, 324 के प्राइम फैक्टर्स 2 टाइम्स 2 है एंड 4 टाइम्स 3 है, अब 25 के 5 इंटू 5। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 324 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। अब इनके स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर बनाने का पता है आपको, बेस सेम होंगी तो एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगे, ये 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर। ठीक है, 324 ओवर 25 इक्वल्स टू, हमने स्क्वायर रूट कैंसिल करने हैं, 5 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, आप अलग करके भी कैंसिल कर सकते हैं, ये 1 ओवर 2 के इक्वल होता है, 2 से मल्टीप्लाई गया, कैंसिल हो गया, 1 बच गया। ठीक है, मैंने आपको हर क्वेश्चन में सारी डिटेल्स बताई हैं। ठीक है, सॉरी, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 ओवर 5। ठीक है, 324 ओवर 25 इक्वल्स टू 2, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 5, 9 टू ज़ा 18 ओवर 5। अब हमारे पास आंसर होल फॉर्म में था, तो हम आंसर, क्वेश्चन हमारे पास होल फॉर्म में था, इसलिए हम आंसर भी क्या है, होल फॉर्म में करेंगे। कैसे करेंगे, ये 5 हम लिख लेंगे, 18, 5 3 टाइम्स 15 और 3 हमारे पास माइनस हो गया, आपने इसको क्लॉकवाइज लिखना होता, ये हम इसको क्लॉकवाइज लिख रहे हैं। ठीक है, पहले हम 3 लिखेंगे, उसके बाद ये वाला 3 और फिर ये वाला 3। ठीक है, हमारे पास